वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में देश विदेश से निवेश लाने के लिए बड़े सुधार किए गए हैं। वर्चुअल फेयर का आयोजन किया गया है। गोरखपुर में एक जनपद एक उत्पाद में टेराकोटा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे टेराकोटा का बाजार मजबूत हो सके और अधिक से अधिक उद्योग को बढ़ावा मिल सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त आयुक्त उद्योग आशुतोष त्रिपाठी, उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 2020 को 6 अगस्त 2020 के बाद से अभी काफी प्रगति भी हुई है और काफी चेंजेस भी हुए हैं। कुछ नई चीजें भी आपके निर्देशन में हुई हैं, जिसके बारे में ये आज समीक्षा करने की आवश्यकता है। बाद एक मेला हमने लोन मेला भी ऑर्गेनाइज कराया था और अभी एक और आगे प्रस्तावित है, तो मैं जरा एक बार बिंदुवार आपके सामने इसको मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। संचालन सरलीकरण एमएसएमई एक्ट 2020 वो ना पहुंचा हो या किसी जीएम ने ना पढ़ा हो तो बताए। इसका मतलब सबको मिल गया है, सबने पढ़ लिया है, तो दो ही वालों ने देखा है क्या? वो आपने देखा है वो जो एमएसएमई एक्ट नया है? जी सर, अभी तक कोई एप्लीकेशन आया नहीं है सर। जैसे और अन्य योजनाओं का ऑनलाइन हुआ है सर, इस एक्ट का भी हम लोग जो लगातार ये सारे प्रपत्र है एनएससी से संपर्क करके हम चाहते हैं सर ये भी ऑनलाइन हो जाए सर। इट विल बी मोर इजी टू मॉनिटर आल्सो सर डिस्ट्रिक्ट वाइज। जी सर, आप उसको थोड़ा सा आप ही के लेवल पे वो रुका पड़ा है, थोड़ा पुश करके उसको जो पायलट है उसको पूरा कराइए। पूरा कराओगे तो तभी आगे चलेगा। मैं इसकी बात कर रहा था एमएसएमई एक्ट की। एमएसएमई एक्ट जो है ये उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना का सबसे बड़ा ये नियम बना है, जो कि ये बताएगा या ये करेगा कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई स्थापित हो, रोजगार पैदा हो। हर जगह हर कार्यालय में इसका एक आप नोडल अधिकारी बनाइए, उसके साथ स्टाफ रखिए, उसको रजिस्टर और सब पेपर्स दीजिए, कंप्यूटर दीजिए, ताकि जो 72 घंटे में अनुमतियां प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र आते हैं उनका समय के अंदर निस्तारण हो। इसको मॉनिटर भी आप करना शुरू करेंगे। अभी तो इसलिए था कि शायद हो सकता है पहुंचा ना हो, लेकिन अब सब जगह पहुंच गया है, तो इसको आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें अगर कहीं कोई डिले होगा, कोताही होगी, तो फिर जिम्मेदारी जिस ऑफिस में वो एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसकी हो जाएगी। तो इसको आप समय से लागू कर दीजिए। किसी को कोई अभी इसके बारे में शक शुबा हो तो अभी पूछ ले। वो सर इसमें जो एक्ट में जो दिया गया प्रोविजन नोटिफिकेशन में, इसमें ये कहा गया कि अनुलग्न एक के अनुसार उद्यमी को घोषणा पत्र दाखिल करना होगा और घोषणा पत्र के साथ उक्त प्रारूप में दिए गए प्रपत्रों के प्रार्थना पत्र दाखिल करने होंगे। इम्प्लीमेंटेशन इसका सब जगह सर्कुलेटेड है। ये द्वारा भिजवा दो डायरेक्टर साहब, इसको भिजवाइए सबको। सर ये सर्कुलेटेड है सर, अनेक्सर्स भी भेज दिया गया है सर।